दिल्ली की सुल्तानपुरी की एक घटना का बताते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। जिहादियों का आतंक जारी है, महिला पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई है, बाजार के बीचों बीच जानलेवा हमला की कोशिश की गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक दिल्ली से पहुंचा रहे हैं, जहां पर जिहादियों का आतंक जारी है। दिल्ली के मिनी पाकिस्तान कहे जाने वाले सुल्तानपुरी में जिहादियों का आतंक देखने को मिला है। यहां पर महिला पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई है, जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं। यहां पर जिहादियों का जो आतंक है वो जारी है और महिला पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई है। हम इसकी सीसीटीवी फुटेज भी आप तक पहुंचा रहे हैं। दावा किया गया है कि महिला को चाकू दिखाकर धमकी देने वाले युवक मुस्लिम समुदाय से है। अक्सर गलत सांप्रदायिक दावे चलाने वाले सुदर्शन न्यूज ने ये वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि दिल्ली के मिनी पाकिस्तान सुल्तानपुरी में जिहादियों का आतंक देखने को मिला। साथ ही घटना में आरोपी का नाम आसिफ बताया गया है। सुदर्शन न्यूज से जुड़े सागर कुमार ने भी ऐसा ही दावा करते हुए ये वीडियो पोस्ट किया। और तो और राइट विंग वेरीफाइड एक्स अकाउंट बाबा बनारस और मेक अपडेट्स ने भी ऐसे ही दावे के साथ ये वीडियो पोस्ट किया। बहरहाल व्यूअर्स सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान दें कि भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं बताया जा सकता, और ये बात हाल ही में एक अदालती सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कही थी। वहीं वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए ऑल्ट न्यूज ने छानबीन शुरू की। हमें डेक्कन हेराल्ड की ये रिपोर्ट मिली। इस आर्टिकल में बताया गया है कि बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी के डीडीए मार्केट में पीड़िता दुकानदार ममता देवी के बयान पर एफआईआर दर्ज कर दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और वहीं मामले में तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। डीसीपी आउटर दिल्ली ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस घटना के सिलसिले में बताया कि राज पार्क पुलिस ने वायरल वीडियो में दिख रहे एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। ऑल्ट न्यूज ने इस मामले में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए सुल्तानपुरी क्षेत्र के राज पार्क थाना में कॉन्टेक्ट किया। वहां के एसएचओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वायरल दावे गलत है और इस घटना में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। तीनों आरोपी हिंदू समुदाय से है और इन सबकी गिरफ्तारी भी हो गई है। वहीं इनमें से एक आरोपी नाबालिग है। ऑल्ट न्यूज को मामले की एफआईआर कॉपी भी मिली, जिसमें बताया गया है कि एक मसाले की दुकान पर अपने भांजे अजीत के साथ लड़ाई कर रहे कुछ लड़कों को समझाने गई महिला के साथ भी मारपीट की गई, और इस मामले में एफआईआर में राहुल और राकेश नामक दो आरोपियों का जिक्र है। यानी दिल्ली के एक मार्केट में हुए झगड़े की घटना का वीडियो चलाते हुए सुदर्शन न्यूज समेत कई राइट विंग अकाउंट्स ने आरोपी को गलत रूप से मुस्लिम बताया और मामले को फर्जी कम्युनल एंगल दिया।